एक बार की बात है, कौशल्या नाम की एक औरत जंगल से लकड़ी काट कर घर वापस जा रही होती है। आज तो काफी रात हो गई, घर पर बच्चे भी भूखे होंगे, लेकिन मैं भी क्या करूं? कहीं लकड़ी ही नहीं बची जंगल में। चलते चलते कौशल्या की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। पेड़ पर बहुत ही काले काले रसीले जामुन लगे होते हैं। जामुन बहुत ही चमकीले और मीठे मीठे होते हैं। कौशल्या को जामुन देख कर लालच आ जाता है। अरे वाह, कितने रसीले जामुन हैं, क्यों ना थोड़े से तोड़ लूं, बच्चों को मजा आ जाएगा जामुन खाकर। फिर कौशल्या वहां रुककर खूब सारे जामुन तोड़ लेती है और खाते खाते घर की ओर चल पड़ती है। अरे वाह, सचमुच ये जामुन तो बहुत रसीले हैं। इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया, वाह मन कर रहा है खाती ही जाऊं खाती ही जाऊं। उधर जामुन के पेड़ के पास एक चुड़ैल आ जाती है और पेड़ से जामुन टूटे होने की वजह से गुस्से में आ जाती है। ये कौन है जो यहाँ से जामुन तोड़ कर ले गया मेरे इतने रसीले जामुन? मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगी नहीं, उसकी वजह से आज मैं जामुन नहीं खा पाई। इधर कौशल्या अपने बेटे बंटी और बेटी पिंकी को जामुन खाने के लिए देती है। बंटी और पिंकी को जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। वाह माँ, इतने स्वादिष्ट जामुन, मैंने ऐसे जामुन कभी नहीं खाए। बंटी की बात सुनकर पिंकी बोलती है, सही कह रहे हो बंटी भैया, सचमुच मजा आ गया, ऐसे जामुन मैंने कभी नहीं खाए। वाह माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, आप तो हमें रोज ऐसे ही जामुन खिलाया करो। मजा आ जाएगा। पिंकी और बंटी की बात सुनकर कौशल्या को हंसी आने लगती है और वो उन दोनों से कहती है, तुम दोनों मस्का मत मारो, मैं कल जंगल से और जामुन ला दूंगी, खा लेना भर पे। चलो अब जाकर सो जाओ, कल सुबह तुम दोनों को स्कूल जाना है। फिर वो तीनों सो जाते हैं। अगले दिन कौशल्या फिर से लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाती है और वापस आते समय जामुन के पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और जामुनों की तरफ देख कर बोलती है, अरे आज तो जामुन कुछ ज्यादा ही काले और चमकदार लग रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ऊपर हैं, मैं इन्हें तोड़ूंगी कैसे। कौशल्या जामुनों के ऊपर पत्थर फेंकती है लेकिन एक भी जामुन नहीं गिरता। कौशल्या ये देखकर उदास हो जाती है, आज तो एक भी जामुन नहीं गिरा। घर पर बंटी और पिंकी बहुत नाराज और दुखी होंगे। काश भगवान जोर से आंधी ले आए ताकि खूब सारे जामुन गिर जाए। जैसे कौशल्या ये बात बोलती है वहां जोर जोर से आंधी आने लगती है और थोड़ी ही देर में पेड़ के नीचे काफी सारे जामुन गिर जाते हैं। कौशल्या ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, वाह मजा आ गया, इस आंधी की वजह से आज तो कल से भी ज्यादा जामुन गिरे हैं, चलो इन्हें उठा लेती हूँ। कौशल्या जामुनों को उठाने लगती है तभी उसके पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्यों कौशल्या, कुछ मदद करूँ तुम्हारी इन जामुनों को उठाने में? जंगल में अपना नाम ऐसे सुनकर कौशल्या डर जाती है। चुड़ैल, जी नहीं, अब आपकी मदद की जरूरत नहीं है चुड़ैल जी, अब मैं अपने आप उठा लूंगी, आप यहाँ कहाँ से आ गई? कौशल्या की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से में बोलती है, मैं यहाँ कैसे आ गई? तूने मेरे पेड़ से जामुन तोड़े और चुराए हैं, चल अब ये जामुन यहीं खा और दफा हो जाए यहाँ से। चुड़ैल की ये बात सुनकर डरी हुई कौशल्या कुछ नहीं बोलती और जामुन खाने लगती है। जैसे जैसे कौशल्या जामुन खाती है वो जामुन के जैसे काली और बदसूरत होने लगती है। ये देख कौशल्या चुड़ैल से बोलती है, ये सब क्या हो रहा है चुड़ैल जी, मैं काली कैसे हो रही हूँ, मुझे जाने दो, मुझे नहीं खाने ये जामुन। कौशल्या की बात सुनकर चुड़ैल हंसती है और बोलती है, जाना चाहती है तो तू जा सकती है, लेकिन फिर ये जामुन मैं तेरे बच्चों को खिलाऊंगी। अब देख, तुझे ये जामुन खाने हैं या तेरे बच्चों को। अपने बच्चों का नाम सुनकर कौशल्या की ममता जाग जाती है और वो जामुन खाने लगती है। जैसे कौशल्या आखिरी जामुन खाती है वो जामुन बन जाती है। अब बन गई ना तू जामुन। अब तुझे मैं इस पेड़ पर टांगूंगी। फिर चुड़ैल जामुन बनी कौशल्या को जामुन के पेड़ पर टांग देती है और हंसने लगती है। जो भी मेरे पेड़ के जामुन खाएगा मैं उसे इसी पेड़ पर जामुन बनाकर टांग दूंगी। उधर काफी रात हो जाने के बाद भी कौशल्या को ना आता देख पिंकी और टिंकू काफी घबरा जाते हैं। बहन, माँ ना जाने कहाँ चली गई, जंगल से अभी तक नहीं आई, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई हो, तुम कहो
तो मैं जाकर देखूं जंगल में। टिंकू की बात सुनकर पिंकी टिंकू से बोलती है, शुभ शुभ बोलो भैया, आज काफी आंधी चली थी, हो सकता है माँ को इसी वजह से देर हो गई हो। हम उनका घर पर इंतजार करते हैं, कहीं वो पीछे से घर आ गई तो वो भी परेशान होंगी। पिंकी की बात मानकर टिंकू भी घर पर ही रुक जाता है और कौशल्या का इंतजार करने लगता है। अगले दिन सुबह तक भी कौशल्या घर नहीं पहुंचती है। ये देखकर पिंकी और टिंकू गांव के सरपंच के पास जाते हैं। उन्हें देखकर सरपंच बोलते हैं, अरे पिंकी और टिंकू, तुम दोनों यहाँ क्या हुआ? घर पर तो सब ठीक है ना? सरपंच की बात सुनकर पिंकी और टिंकू रोने लगते हैं और रोते रोते उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर सरपंच बोलते हैं, तुम दोनों घबराओ मत बच्चों, कौशल्या बहन आसपास ही कहीं होंगी, मैं अभी उनको ढूंढने का प्रबंध करवाता हूँ, जब तक तुम दोनों मेरे घर पर ही रहो। ऐसा कहकर सरपंच घर से बाहर निकल जाते और गांव वालों से कौशल्या को ढूंढने को कहते हैं। गांव वाले कौशल्या को आसपास के गांव में ढूंढते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक कौशल्या का पता नहीं चलता। उधर कुछ गांव वाले जंगल में कौशल्या को ढूंढ रहे होते हैं। अरे पुत्तल, इस सुबह से शाम हो गई, लेकिन कौशल्या बहन का कुछ पता नहीं चला, कहीं कौनो जंगली जानवर तो नहीं खा गया उन्हें? चमन भैया, तुम सच में चमन ही हो। अरे अपने जंगल में कोई शेर रहता है क्या जो उन्हें खा जाएगा? बहुत मनहूस हो तुम, कसम से बताए दे रहे हैं। लेकिन काफी देर तक कौशल्या का पता नहीं चलता। फिर पुत्तन और चमन अलग अलग दिशा में कौशल्या को ढूंढने लगते हैं। तभी चमन की नजर जामुन के पेड़ पर पड़ती है। अरे वाह, क्या मोटे मोटे रसीले जामुन है, क्यों ना थोड़ी सा जामुन खा लूं, फिर ढूंढूंगा कौशल्या बहन को। फिर चमन जामुन तोड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में काफी सारे जामुन नीचे गिर जाते हैं। वाह, नीचे तो काफी जामुन गिर गए, अब बैठ कर इन्हें आराम से खाऊंगा। ऐसा कहकर चमन जामुन खाने लगता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर चमन डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहीं गिर जाता है। अरे मर गया रे, मेरी कमर, आ। कहाँ भाग रहा है तू, जामुन तो खा ले। चुड़ैल जी, भाड़ में गए जामुन, मुझे नहीं खाने जामुन मामुन, मुझे तो तुम जाने दो यहाँ से बस। चमन की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो चमन से कहती है, अगर तुझे जामुन नहीं खाने थे तो तूने मेरे पेड़ के जामुन तोड़े ही क्यों, चुपचाप ही नहीं खा कर जा, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। चुड़ैल के डर से चमन जामुन खाने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह जामुन खाता जाता है, जामुन की तरह काला होता जाता है और थोड़ी ही देर में पूरा जामुन बन जाता है। चुड़ैल उसे उठा लेती है। ऐसे ही रहा तो इस पेड़ में सारे जामुन इंसानों के होंगे और फिर मैं उन्हें बड़े आराम से एक एक कर खाऊंगी। फिर चुड़ैल जामुन को पेड़ पर लगाकर गायब हो जाती है। उधर पुत्तन चमन को ढूंढते ढूंढते जामुन के पेड़ के पास पहुंचता है। ये चमन भी ना बिल्कुल गधा है, अब पता नहीं कहां गायब हो गया, अब कौशल्या बहन के साथ साथ इसे भी ढूंढो। तभी उसकी नजर जामुन के पेड़ पर पड़ती है। इतने घने जंगल में जामुन के पेड़ को देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे इतने घने जंगल के बीच में ये जामुन का पेड़ कैसा, और इसके फल भी देखो कितने मोटे मोटे हैं जैसे आम। तभी पुत्तन को एक जामुन अपने पास पड़ा हुआ दिखता है। वो उसे उठा लेता है और गांव की ओर चल पड़ता है। गांव पहुंचकर वो सरपंच को बोलता है, अरे सरपंच जी, इतना ढूंढा लेकिन कहीं भी कौशल्या बहन का पता नहीं चला, और तो और अब वो चमन भी गायब हो गया, पता नहीं कहां जाकर सो गया है। सरपंच और पुत्तन बात ही कर रहे होते हैं, तभी सरपंच की नजर पुत्तन के हाथ पर पड़ती है। वो पुत्तन से बोलते हैं, अरे पुत्तन, ये काले रंग का आम कहां से लाए, जरा हमें भी तो दिखाओ। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, ये आम नहीं जामुन है, ये उस जंगल में एक
जामुन के पेड़ के नीचे गिरा था। ऐसा कहकर पुत्तन सरपंच जी को वो जामुन दे देता है। तभी वहाँ टिंकू और बंटी भी आ जाते हैं और जामुन देखकर बोलते हैं, सरपंच जी ये जामुन तो बहुत स्वादिष्ट है, ये माँ हमारे लिए लाई थी जंगल से, बहुत ही मीठे और रसीले हैं। टिंकू की बात सुनकर सरपंच जी पुत्तन से कहते हैं, पुत्तन ये कोई आम जामुन नहीं है बल्कि कोई शापित पेड़ के जामुन है, तुम गांव वालों को साथ में ले लो, हमें अभी जंगल चलना होगा। ऐसा कहकर सरपंच जी और गांव वाले जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। रात होने की वजह से वो सब मशालें भी जला लेते हैं। सरपंच जी और गांव वाले पेड़ के पास पहुंचते हैं। सरपंच और इतने गांव वालों को देखकर चुड़ैल वहां जाती है। तो आज सरपंच आया है आज मैं सबको जामुन बना दूंगी मैं तो आम के साइज के जामुन देखकर ही समझ गया था ये सब तेरा किया धरा है चुड़ैल। इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, सरपंच के कहने पर गांव वाले जामुन के पेड़ में आग लगा देते हैं। जैसे जैसे पेड़ बनता है जामुन बने लोग आजाद होने लगते हैं। सरपंच तूने मेरा जादू तोड़ दिया लेकिन मैं फिर से आऊंगी किसी न किसी तरीके से तुझसे बदला लेने। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है।